हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कैमरे को ज़्यादा और एक्सटेंड में हम ज़रा उसको देखेंगे। अब हमने पीछे अभी देखा कि हम कैमरे की प्रॉपर्टीज को किस तरह छेड़ सकते हैं, किस तरह हम उसका कलर स्काई बॉक्स लगा सकते हैं, किस तरह उसे जूम इन जूम आउट, कौन सी प्रोजेक्शन के साथ हम कर सकते हैं और कौन सा फील्ड ऑफ व्यू सेट कर सकते हैं। काफ़ी हमने डिटेल कैमरे को कंट्रोल किया था और किस तरह हम स्क्रिप्ट के जरिए उसको जूम इन जूम आउट करके कैमरे का हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये सारी चीज़ें हमने कैमरे में कवर कर ली है। अभी कभी आपने सोचा क्या कि मैं एक और कैमरे की कॉपी निकाल लूँ या कंट्रोल डी से कॉपी बना लूँ? समझे, एक और मेरा कैमरा आ गया, कैमरा और एक कैमरा वन। अब मुझे कौन सा कैमरा शो होगा? दोनों ही शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं नीचे वाले कैमरे का कलर चेंज कर दूँ रेड, ऊपर वाले कैमरे का सॉलिड कलर वाइट है, तो मुझे कौन सा कैमरा शो हो रहा है? जो सबसे आखिरी वाला कैमरा वो शो हो रहा है, पीछे वाला कैमरा ऑटोमेटिक वो इग्नोर हो गया, जिसका कलर आप देख रहे हैं सॉलिड वाइट है, बैकग्राउंड कैमरे व्यू के अंदर भी आपको आ रहा है। लेकिन मैं इधर क्लिक कर अगर इस कैमरे को बंद करता हूँ तब जाके वो कैमरा मुझे शो होता है। तो ये हमारे ये तो एक फॉल्ट निकला है कि अगर हम मल्टीपल कैमरा यूज़ करते हैं तो हम एक ही कैमरे को व्यू करा सकते हैं, ठीक है ना? तो हम मल्टीपल कैमरे को कैसे व्यू करा सकते हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि ये कैमरे की प्रॉपर्टीज है, उसको हमने बस देखना है। सबसे पहले अगर आपने कुछ गेम्स देखी हो, जैसे ये गेम है नीड फॉर स्पीड है, किसी ने शूटिंग वाली अगर गेम खेली हो, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल आगे पास स्क्रीन आ रही होती है ताकि सारे प्लेयर एक ही स्क्रीन में एक दूसरे का व्यू आ रहा होता है। जैसे ये रेसिंग वाली गेम है, इसमें भी हर एक का व्यू आ रहा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चार कैमरे लगे हुए हैं और चारों के अलग अलग व्यू को उसने सेपरेट डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में अगर हम कैमरा लगाते हैं तो वो वाला कैमरा शो होता है जो सबसे एंड वाला होता है वो शो होता है, बाकी पीछे जितने भी कैमरे हो वो इग्नोर हो जाते हैं। अगर समझे, मैंने कैमरा फोर है, इसका रेड कलर में कलर इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। तो अगर जो सबसे फोर वाला सबसे एंड वाला कैमरा वही शो होगा, बाकी सारे कैमरे इग्नोर हो जाएंगे इसमें, ठीक है? तो अगर हमने मल्टीपल कैमरे शो कराने हो तो उसको हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं? तो अब जैसे ये गेम है, इसका मतलब इसने कितने कैमरे रखे हुए हैं, दो, ठीक है? अगर ये चार वाली में आ जाए, इसमें कितने कैमरे हैं, चार, ठीक है? तो हम इसी तरह ही कैमरे की प्रॉपर्टीज को करते हैं इस्तेमाल, कैमरे का अपना कैमरा जो है गेम है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो मेरी इमेज है, सबसे पहला वाला कैमरा मेरा, ठीक है, इसका वाइट बैकग्राउंड है। एक मैं कैमरा वाले आता हूँ, ठीक है, इसका मैं कलर अब मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है? तो मसला ये है, मुझे कैमरा तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा, अब जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि हमने व्यू ऑफ रेक्ट हमने ये पढ़ना है बाद में, वो इस तरह इस्तेमाल होता है व्यू ऑफ रेक्ट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, व्यू ऑफ रेक्ट ये होता है कि कैमरे की एक्स और वाई पोजीशन किधर को सेट होनी चाहिए, ये स्क्रीन के अंदर होगी, गेम के अंदर नहीं होगी। जिस तरह हम ट्रांसफॉर्म पोजीशन एक्स वाई जी करते थे ना, ये वो वाली नहीं होगी, ये व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट मतलब स्क्रीन के अंदर उसके कैमरे की क्या उसकी एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। अच्छा, W और H का मतलब है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी। वन वन का मतलब ये कि वो स्क्रीन को फुल कवर कर रहे हैं। अगर समझे, मैं इस कैमरे की हाइट को कम कर दूँ, 0.5 कर दूँ, तो इसका मतलब ये आधा कैमरा कवर कर रहा है अपने आप को, आधा कैमरा शो हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन को आधा कैमरा कवर करेगा। अगर वन कर दूंगा, क्योंकि वन मैक्सिमम वैल्यू है, तो वन का मतलब ये कि ये अपनी पूरी स्क्रीन को कवर करेगा, ठीक है? अगर मैं इसकी यहाँ तक इसकी तस्वीर आपको बना के दिखाऊँ, ये ठीक है, विड्थ की वैल्यू ये जीरो से, ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है, जीरो से वन तक ये कवर करता है, ठीक है, और ये भी जीरो से, हाइट भी जीरो से वन तक कवर करती है, ठीक है? तो अगर मैं किसी कैमरे की हाइट को 0.5 करूंगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इधर तक आ जाएगी, उसकी हाइट इधर तक आ जाएगी, ठीक है? अगर मैं इसको 0.5 तक कर दूंगा तो इसकी हाइट इधर तक आ गई, ठीक है? अगर विड्थ को भी मैं 0.5 कर दूंगा तो इसका मतलब हाफ अपनी जो स्क्रीन है उसकी आ जाएगी, तो वो इधर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको विड्थ को भी 0.5 कर दूं तो वो अपनी स्क्रीन का आधा हिस्सा ले लेगी, ठीक है? अच्छा, आपने देखा कि मैंने जैसे इस कैमरे को छोटा किया तो मुझे पीछे वाला कैमरा भी नजर आने लग गया, क्योंकि मैंने इस कैमरे का व्यू जो व्यू पोर्ट है उसको बहुत छोटा कर दिया, तो पीछे वाले कैमरा भी मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको इस तरह शो कराना, जिस तरह ये गेम है अभी, अगर मैंने इस तरह शो कराना हो, ठीक है, तो अभी मैं इसका पहले आपको बताता हूँ इसको किस तरह करा सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये विड्थ और हाइट वाला तो व्यू पॉइंट देख लिया। अच्छा, ये होता है एक्स और वाई, ये एक तरह की पोजीशन ही होगी उसकी, क्या होगी, एक्स एक्सिस में किधर होना चाहिए, वाई एक्सिस में किधर होना चाहिए। लेकिन ये गेम गेम की पोजीशन वाला नहीं होगा, जिस तरह हम ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं ये वो नहीं है, ये वो वाली पोजीशन है जो व्यू पॉइंट जो स्क्रीन के अंदर शो हो रही है, क्योंकि कैमरे का ताल्लुक सीन से है ना। तो इसको अगर मैं 0.5 करता हूँ तो ये इधर हो जाती है,
वन करता हूँ तो वो क्रॉस कर जाएगी स्क्रीन को, तो 0.5, अगर मैंने ऊपर को थोड़ा लेके जाना है 0.5, ठीक है। तो ये भी एक तरह का 0 और 0.5 के अंदर ये कैमरे के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये उसकी जो विड्थ और हाइट पे डिपेंड करते हैं, तो आप इसके जरिए वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं 0.0 रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल करेगा तो मैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा सही तरह। अब जैसे ये गेम है, ये गेम, इस पे क्या दो व्यू नज़र आ रहे हैं हमें कैमरे के, ठीक है, दो प्लेयरों को व्यू नज़र आ रहे हैं अपने कैमरे के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, इसका मतलब मुझे दो कैमरे चाहिए सबसे पहले, ठीक है। मैंने ये दो कैमरे ले लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाले कैमरे को, इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मैं कलर नीचे वाले कैमरे का रेड ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए दो कैमरे में। अच्छा, एक कैमरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, एक कैमरा राइट साइड में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं इसकी तस्वीर को ले लूँ यहाँ, तो इन दोनों की कैमरे की जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, 0.5। इस कैमरे की भी विड्थ क्या होनी चाहिए, 0.5। हाइट दोनों की क्या रहनी चाहिए, 1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जो सेपरेट कर रहा है चीजों को विड्थ कर रही है, ठीक है ना। तो अभी दोनों की विड्थ, इन दो कैमरे, इसका मतलब इन दोनों कैमरे की मैं विड्थ को कर दूं 0.5, इस कैमरे की विड्थ को कर दूं मैं 0.5, ठीक है। अच्छा, दोनों, अब क्या हुआ, अब ये सीन हुआ है कि दोनों ये कैमरे है ना, ये एक जगह आ गए, पहला व्यू भी इधर को आ गया, ठीक है, दूसरा वाला व्यू भी इधर को आ गया, ठीक है, एक ही जगह आ गए। अभी आप देख रहे हैं ये इधर आ गया, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो पीछे वाला मुझे व्यू नजर आ रहा है कि दोनों ने अपनी विड्थ कम कर दी स्क्रीन व्यू पोर्ट की, लेकिन दोनों की पोजीशन एक जगह है। तो इसका मतलब मुझे एक कैमरे को, इस एक कैमरे को यहां लेके जाना पड़ेगा आगे इधर तक, ताकि वो पूरी स्क्रीन में नजर आ जाए। तो उसमें से मैं किसी भी एक कैमरे का, जैसे मैं नीचे वाले कैमरे का एक्स एक्सिस को 0.5 कर दूंगा, तो वो दोनों कैमरा मुझे शो होने लग जाएंगे गेम के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे अंदर दोनों हाफ व्यू आ गया कैमरे का, ठीक है। इन केस अगर आप चाहते हैं थोड़ा और आगे करना, तो आप उसको एक्स एक्सिस, उसके एक्स एक्सिस को और आगे कर लें, तो वो, लेकिन वो देखा आपके बीच ब्लैक लाइन आ गई है, वो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 0.5 बेहतर है इसके लिए, क्योंकि उसकी बिट पीछे वाले कैमरे की भी बिट 0.5 है। तो इसका मतलब अगर मैं इस कैमरे को इधर शो कराना चाहता हूँ, सिर्फ इस कैमरे में ये है और इस कैमरे में प्लैनेट आए, सिर्फ प्लैनेट का, ठीक है। इसका मैं ज़रा ऑर्थोग्राफिक करके साइज इसका काम ना कर दूँ थोड़ा, ठीक है। तो अब मेरा एक कैमरा इसको शो कर रहा है इसको, और एक कैमरा मेरा शो कर रहा है प्लैनेट को, ठीक है। तो उनके मैंने किसके साथ खेला है, सिर्फ सबसे पहले दोनों की विड्थ कम कर दी, क्योंकि मुझे पता है दोनों कैमरे के जो विड्थ है हाफ हाफ नजर आनी चाहिए, तो मैंने दोनों कैमरे की इस तरह हाफ हाफ दो नजर आने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों कैमरे की विड्थ को मुझे 0.5 सेट करना पड़ा कि वो अपना जो जितनी स्क्रीन का साइज है उसका हाफ शो करे, क्योंकि स्क्रीन का साइज 0 से 1 तक है। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, उसका 50%, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद दोनों कैमरे को मैंने 0.5 सेट कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि सारे दोनों कैमरे इस साइड में आ गए थे, दोनों कैमरे इस साइड में आ गए थे, तो मुझे एक कैमरे को इधर लेके आना था। तो इसका मतलब क्या था कि दोनों कैमरे की जो एक्स एक्सिस था वो 0 था, तो मुझे जो एक कैमरे को 0.5% उसको आगे करना, 0.5 उसको उसकी एक्स की वैल्यू देनी पड़ी, ताकि उतनी वो उतना आगे हो जाए, अगला कैमरे का व्यू उससे आगे शो, उसके अगले वाले की विड्थ से, ठीक है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको सही तरह समझ आएगा, ये थोड़ा इसका आप थोड़ी वैल्यूज के साथ थोड़ा पंगा लेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये अच्छा इस तरह ही कंट्रोल होता है। अच्छा, अगर हम इसकी गेम का ये देखें, अब ये वाली गेम का देखते हैं, ये गेम अब हमने पकड़ी है, इस गेम में क्या हो रहा है, इस गेम में ये होता है कि चार कैमरे लगे, सबसे पहले तो बात हो गई, ठीक है, चार कैमरे, हम अभी पहले ड्रॉइंग से देखते हैं इसको, ठीक हो गया, चार कैमरे हैं। तो इसका मतलब चार कैमरे क्या हो गए, चारों कैमरे इधर ही आ रहे हो गए। तो इसका मतलब मुझे चार कैमरों की विड्थ और हाइट क्या सेट करनी पड़ेगी, इसका मतलब एक कैमरा जो ये वाला है, ये इसकी विड्थ जो है, इस कैमरे को देखिए, अगर पहली वाली को, इसकी विड्थ तो 0.5 है, ठीक है, 0.5 इधर आएगी, इसका मतलब मुझे इसकी हाइट भी 0.5 करनी पड़ेगी, ठीक है, ये 0 से
0.5, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, इसकी हाइट भी मुझे 0.5 करनी पड़ेगी तब ये वाला व्यू बनेगा। तो इसका मतलब मेरे सारे कैमरे के जो विड्थ और हाइट है उनको मुझे 0.5 करना पड़ेगा, 0.5 0.5। अच्छा 0.5 सबकी करता हूँ तो सारे कैमरे इधर आ जाएंगे, ठीक है, सारे चारों कैमरे इधर इधर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम इतना करके देखते हैं फिर हम आगे इसको देखते हैं उनकी पोजीशन को कैसे छेड़ना है। अच्छा एक तो मेरा ये कैमरा आ गया, एक मेरा ये नया कैमरा लेते हैं ताकि हम ईजी हो जाए। इनको मैं ज़रा ऑर्थोग्राफिक कर लेता हूँ, ठीक है, साइज़ इनका 5 रहने देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सब कुछ इसका ना जो वो डिफॉल्ट उसकी सेटिंग है ना कैमरे की वो ले लेता हूँ। अच्छा एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, चार, ये मैंने चार कैमरे बना लिए, चारों के रंग अलग कर लेता हूँ। कैमरा 2 का रेड है, कैमरा 3 का ब्लू है, कैमरा 4 का पिंक कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये चार कैमरे हैं, ठीक है, ये चार कैमरे इनके व्यू इनके कलर भी चेंज है। तो इसका मतलब अभी हमने जो डिसाइड किया इन सबके क्या आने चाहिए, विड्थ और हाइट इनकी 0.5 0.5 होनी चाहिए, ठीक है। इन सब की मैं सिलेक्ट करके विड्थ और हाइट को मैं 0.5 0.5 सेलेक्ट कर रहा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये सारे कैमरे एक ही जगह शो हो रहे हैं जिस तरह मैंने दिखाया आपको, इधर चारों कैमरे इधर शो हो रहे हैं। किसी एक कैमरे को ऑफ करूंगा तो उसके नीचे वाला कैमरा चल जाएगा, उससे नीचे वाला कैमरा डिस्प्ले होने लग जाएगा, उससे नीचे वाला कैमरा डिस्प्ले होने लग जाएगा, सही हो गया। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बाकी कैमरों को मुझे बाकी कैमरों को लाना पड़ेगा, एक को इधर लेके आना पड़ेगा, एक कैमरे को इधर लेके आना पड़ेगा, एक कैमरे को इधर लेके आना पड़ेगा, जैसे ये गेम में, ठीक है, सही है। अच्छा अब मेरे सारे कैमरे इधर हैं तो इनकी वैल्यू, इधर कैमरों की मेरी वैल्यू क्या है, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ। मेरे अभी सारे कैमरे इधर हैं, ठीक है, और उनकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, सबके 0 0 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 0 0 है। अब मैंने एक कैमरे को इधर लेके आना है, एक कैमरे को मैंने इधर लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका वाई एक्सिस तो यही रहे 0, जो एक्स एक्सिस है वो 0.5 में आ जाए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस 0.5 में आ जाए, वाई एक्सिस इधर ही रहे, वाई एक्सिस को अपने कोई पंगा नहीं लेना क्योंकि वाई एक्सिस उसका वही रहना चाहिए, ठीक है। अब एक ये क्या है कैमरा, अब ये जो कैमरा है, एक कैमरा यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये उसका क्या है, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, ठीक है। अब मैंने इस कैमरे को इधर लेके आना है, ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एक्स 0 ही रहेगा, वाई एक्सिस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स तो मेरा 0 ही रहना चाहिए, वाई मेरा 0.5 हो जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। ये तीन कैमरे आ गए, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने ये कैमरा मेरा यहाँ भी आ गया है, मैंने ये वाला कैमरा लाना इधर, ये वाला कैमरा इधर है। तो अब मैंने ये वाला कैमरा इधर लाना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्स एक्सिस भी 0.5 आ गया ट्रांसलेट हो, और वाई एक्सिस भी 0.5 यहाँ ट्रांसलेट हो गया, ये कैमरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और वाई के दोनों 0.5 0.5 होने चाहिए। तो मेरा कैमरा कौन सा है, ये वाला वाइट वाला, तो इसका एक्स एक्सिस भी यहाँ आ जाए, यहाँ करूँगा तो इधर को आ गया, अब 0.5 करूँगा तो वाई एक्सिस मेरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे चारों कैमरे यहाँ सेट हो गए, ठीक है। इनकी सबकी मैंने विड्थ और हाइट सबकी 0.5 0.5 रखी थी, और सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उनके चेंज कर दिया है, एक्स और वाई एक्सिस उनकी स्क्रीन व्यू के हिसाब से, व्यू पॉइंट के हिसाब से उनको सेट कर दिया, ठीक है। जो आपकी विड्थ और हाइट होगी उसके ऊपर आपने डिपेंड करना है। तो हो सकता है आपकी विड्थ और हाइट चेंज हो, तो आपको उसके हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज अपनी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब आप इसके साथ थोड़ा पंगा करेंगे ना, जब इनकी वैल्यूज के साथ, तो आपको सही तरह अंडरस्टैंड होगा कि ये इनका किस तरह यूज हो रहा है, ठीक है। विड्थ और हाइट ज़्यादा मैटर करती है, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप इस तरह भी इसको वैल्यू को कम करके आप हिला के चेक कर सकते हैं कि मैंने अपना कैमरा कहाँ लेके आना है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ व्यू नहीं कराना, किसी ने बीच में व्यू कराना है, तो यहाँ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे कैमरे एक ही चीज़ को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये हर जगह मूव कर रहे हैं, क्योंकि सारे कैमरे एक ही जगह है तो आप मूव कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगा चौथा कैमरा ख़त्म, ये कैमरा मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये रेड वाला कैमरा जो है ये पूरी नीचे स्क्रीन में नजर आए, तो इसकी विड्थ को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, तो ये पूरा कैमरा शो अपना विड्थ कराने लग जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा इसके साथ थोड़ा 3-4 कैमरे लेंगे, और आपने जिस तरह व्यू कराना होगा आप करके देखिएगा, तो फिर आपको सही तरह पता चलेगा। और बाकी इसका ये कि गेम्स में काफ़ी, आपने अगर 2-प्लेयर गेम्स बनानी है जिसमें एक ही पीसी या एक ही मोबाइल में दो बंदे खेल रहे हो, लेकिन दोनों को अपना अलग अलग व्यू नज़र आ रहा हो, जैसे कुछ ये गेम्स है कुछ ये गेम्स है, पीसी में ज़्यादा करता होता है, या आपने किसी और का व्यू दिखाना हो, किसी प्लेयर का व्यू दिखाना हो साइड में, तो आप इसके जरिए दिखा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है,
इसका कैमरे का कि आप इसको हम इसको चेक करा, मल्टीपल अगर कैमरे व्यू कराना हो तो हम करा सकते हैं। जैसे अगर किसी ने गेम, हमने काफ़ी गेम्स खेली होगी GTA Vice City वगैरह में, एक तो हमारे पास प्लेयर आ रहा होता है, एक हमारे पास साइड में मिनी मैप आ रहा होता है। मिनी मैप में सारी बिल्डिंग्स आ रही होती है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पानी है, यहाँ तालाब वगैरह सब कुछ है, और यहाँ हमारा प्लेयर, हमें एक प्लेयर का व्यू नज़र आ रहा होता है। तो हमारा एक कैमरा यहाँ होता है, एक कैमरा हमारा यहाँ सेट हुआ था, उसकी विड्थ और हाइट और एक्स एक्सिस यहाँ सेट हो जाते हैं, जो कैमरा ऊपर से दिखा रहा होता है हम किधर खड़े हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी सिंपल सी कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये मैं कर लेता हूँ, कैप क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, एक कैमरा ले लेता हूँ, कैमरा मेरे अंदर है नहीं सर, तो कैमरे में जाऊँगा, ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये क्यूब को पॉइंट कर रहा है, ये मैं बाकी चीजें बंद कर देता हूँ, मेरा क्यूब का यहाँ है। अच्छा, मैं इसको 3D व्यू में कर लेता हूँ कैमरे को, ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक बार, ओके, अगर हम इसको डिस्प्ले करा दें, तो ये कैमरा अगर ये हमें यहाँ का व्यू दे रहा है, एक कैमरा हम चाहते हैं कि ऊपर का व्यू दे, जैसे ऊपर जाता हूँ और इसका मैं जेड एक्सिस में, एक्सिस में ऊपर से व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं कलर ताकि चेंज कर लेता हूँ, ताकि हमें ना पता चल जाए कि ऊपर क्या हुआ है। अच्छा, ये अब ये कैमरा ऊपर से व्यू कर रहा है, और ये वाला जो कैमरा है, अगर मैं इसको बंद करूँ, ये नीचे से उसका थर्ड पर्सन व्यू दे रहा है, जैसे हमने GTA Vice City वगैरह में देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला व्यू है, मैं चाहता हूँ ये मिनी मैप हो, ये क्या हो, जरा सा मैप हो पीछे, जैसे हमारा ये है, एक कैमरा हमारा पूरा प्लेयर को व्यू कर रहा होगा और एक हमारा मिनी मैप को व्यू कर रहा होगा। तो इसका मतलब एक कैमरा तो ठीक है पूरा, ये वाला कैमरा जो है, ये ब्लू वाला, ये पूरा स्क्रीन को कवर करे, दूसरा कैमरा क्या करे, वो थोड़ा सा हिस्सा कवर करे। तो इसका मतलब उस कैमरे का सबसे पहले मुझे साइज तो छोटा रखना पड़ेगा बहुत, तो मैं उस कैमरे का साइज, विड्थ और हाइट इसका 0.3 और 0.3 कर दूँ, या इसकी हाइट ठीक है, विड्थ को और थोड़ा कम कर लेते हैं 0.25, ठीक है, ये इसका मतलब ये इनकी हाइट और विड्थ तो कम हो गई, ठीक है। अब इसके मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छेड़ना है, तो अगर इसकी एक्स एक्सिस को मैं 0.7 कर दूं, 5 कर देते हैं, 0.75, हाइट को मैंने सबसे ऊपर लेके जाना है, 1 नहीं सही रहेगी इसकी, इसकी 0.7 ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगी, या अगर मैं थोड़ा और पीछे नीचे लेके जाना चाहता हूँ 0.65 कर दूं, ठीक है, और इसको 0.7 कर दूं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये प्लेयर का ये जो कैमरा है, एक कैमरा मेरा प्लेयर दिखा का व्यू दिखा रहा है, एक मेरा कैमरे का प्लेयर के ऊपर से व्यू दिखा रहा है, जिस तरह हमारा मिनी मैप वगैरह होता है। तो अगर मैं अब अगर क्यूब मेरा इसके क्यूब मेरे चाइल्ड के अंदर है, मेरे क्यूब के अंदर कैमरे चाइल्ड है, तो इसका मतलब जहां मेरा क्यूब जाएगा कैमरा मेरा वहीं जाता जाएगा, तो ये वहां जा रहा है जहाँ कैमरा है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए इस क्यूब इस कैमरे को बाहर निकाल देता हूँ मिनी मैप वाला, और अब अपने मैं क्यूब को लाता हूँ, तो मेरा क्यूब वहां जा रहा है, ठीक है। तो ये आप में है किस तरह आपने गेम को सेट करना है, अपने डिफरेंट तरीके से आप गेम अपने अपने हिसाब से कैमरे सेट कर सकते हैं, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कैमरे को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काफी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट फीचर है कि आना चाहिए यूनिटी में, अगर आपने कल को 2% प्ले वाली गेम बनानी है, तो आप कैमरे को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह आप सेटिंग्स लगा सकते हैं। तो आप ये जो प्रैक्टिस के लिए किए कि आप इन कैमरे को सारे कैमरे को सेटिंग्स करें, इसके 3-4 कैमरे ले, उनको अपने हिसाब से आपने पहले डिसाइड कर ले, यार मेरा एक कैमरे का व्यू ना, एक कैमरे का व्यू यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, एक कैमरे का व्यू यहाँ आना चाहिए, एक कैमरे का व्यू यहाँ आना चाहिए, तो उसको आप थोड़ा विड्थ हाइट और ये सारा सारा व्यू पोर्ट के ऊपर आपने उसको उसके हिसाब से सेटिंग करनी है। तो जो जब आप बनाएंगे, तो आप एक तरह जो गेम बनेगी, तो उसके जरिए आप इसको कैमरे को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। बाकी आगे हम जो काम करेंगे वो उसमें पूरे स्काई बॉक्स वगैरह जो ऐड करके, तो एक आप पूरी गेम उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्प्राइट से। थैंक यू।